2023 से पहले एक बार फिर से कांग्रेस को गांधी की याद आ गई है और मध्य प्रदेश के 23,000 गांव में कांग्रेस गांधी चौपाल लगाने जा रही है, लोगों को गांधी के विचारधारा से जोड़ेगी और कहीं ना कहीं इस जरिए 2023 मिशन की तैयारी में भी कांग्रेस जुटी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग साहब हैं, हम सीधे बात करते हैं। सर, गांधी की वापस याद आ गई कांग्रेस को, वो तो कह रहे हैं हम 23,000 गाँव में जाएंगे। और देखिए, आपने बिल्कुल अच्छी बात बोली कि वापस याद आ गई। जब चुनाव होता है राजनीतिक लाभ लेना है तो गांधी जी याद आ जाते हैं और बाकी चलते हैं नेहरू के नक्शे कदम पर। बेईमानी करना है, भ्रष्टाचार करना है तो नेहरू जी, और राजनीति करना है तो गांधी जी को नाम का उपयोग करते हैं। गांधी जी ने तो कहा था कांग्रेस को समाप्त कर दो। मैं तो ये कहूँगा कि यूं ही ना चल पड़ेगा ज़माना किसी के साथ, नीयत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ, तो पहले नीयत तो साफ करो। गांधी जी के ने तो इस देश को सुव्यवस्थित बनाने के लिए आंदोलन किया था, इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व लगाया था। कांग्रेस ही तो आज़ादी को तिलांजलि देना चाहते हैं, आज़ादी को ख़त्म करना चाहते हैं, और इसीलिए तो वो लगातार केवल राजनीतिक मामले में गांधी का उपयोग करते हैं, बाकी उनको कोई गांधी जी से लेना देना नहीं है। तो लेकिन कांग्रेस का तो ये भी आरोप है कि सोशल मीडिया पे गांधी के बारे में जो अनगल जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनका आईटी सेल का सीधे तौर पे उस पे आरोप है। गलत, भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से गांधी के विचार को आगे बढ़ाते हुए इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के संकल्प के साथ सरकार भी चलाती है और पार्टी भी चलाती है। तो कह रहे हैं आज़ादी की वापस याद दिलवाएंगे और गांधी की किस आज़ादी की वापस याद दिलवाएंगे, आखिर आज़ादी कैसे मिली 2023 के पहले? क्या लग रहा है कि एक बार फिर से वोटर्स को साधने के लिए गांधी चौपाल लगाई जा रही है? अब देखिए, इस तरह के प्रोपोगंडे से कोई जनता सत्ती नहीं है। दुनिया को मालूम है कि कांग्रेस ने गांधी जी के विचार को नहीं अपनाया। नेहरू परिवार ने तो पीछे से गांधी के सरनेम को अपनाने की कोशिश की। गांधी के विचार को अपनाते तो फिर नेशनल हेराल्ड मामला नहीं होता, गांधी के विचार को अपनाते तो वोफोर्स कांड नहीं होता, गांधी के विचार को अपनाते तो नेहरू जी जीप मामले में भ्रष्टाचार नहीं करते, गांधी को अपनाते तो दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर जैसे नेता आतंकवादियों का संरक्षण नहीं देते। तो ये थे हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, उनका साफ तौर पर कहना है कि 2023 के पहले कांग्रेस को गांधी की याद जरूर आई है, लेकिन विचारधारा से कहीं ना कहीं कांग्रेस काफ़ी दूर हो चुकी है गांधी की। कैमरा पर्सन अनिल सोता, अतुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए MP स्वराज।